ये जब भी करते हैं, जो भी करते हैं, कमाल ही करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक यू। 8 साल हो गए, 2000 एपिसोड, बहुत ही लंबा सफ़र रहा। सो कैसा ये सफ़र रहा, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा। बहुत बेहतरीन सफ़र रहा। आज के दौर में जब सीरियल जो है दो दो तीन तीन महीने में बंद हो रहे हैं, ऐसे दौर में जबकि लोगों के पास देखने के लिए बहुत कुछ है, OTT का एक पूरा मैदान है, बहुत कुछ है, बहुत सारे ऐप हैं जिससे आप कभी भी कुछ भी देख सकते हैं, ऐसे टाइम में आप 2000 एपिसोड पूरे करते हैं और 8 साल पूरे करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात हम एक्टर्स के लिए होती है, एक बहुत ग्रेट फीलिंग है मेरे लिए। सर किसी भी शो को 8 साल देना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि एक टाइम होता है जब टेलीविज़न की खास बात करेंगे डेली शो की, तो एक टाइम के बाद अगर आजकल अगर हम आप ये इस शो की बात नहीं करें दूसरे शो की, कि स्टोरी कहीं ना कहीं स्टोरी से भटक जाते हैं राइटर्स या फिर मेकर्स, सो 8 साल देना, क्या ऐसी एक चीज़ थी जो आपको लगता है कि 8 साल तक जोड़े रखी पूरे सबको इस शो में? इसका एक्चुअली ये सबसे बड़ा श्रेय मैं इसके राइटर्स को देना चाहूँगा, मनोज संतोषी साहब और रघुवीर शेखावत जी, इसके कंटेंट को बांधे रखा है उन्होंने, और हर 5 एपिसोड के बाद कहानी बदलती है और कॉमिक सिचुएशंस बदलती हैं, सब बदलती हैं, तो ये जो अलग अलग कहानियाँ अलग अलग उसमें आती हैं, इसने हमें बांधे रखा है हमेशा, क्योंकि हमेशा कुछ नया करने का मौका हमें मिलता रहा है। तो हम डेली सोप, जो टिपिकल डेली सोप्स होते हैं जिसमें एक खास कहानी चल रही होती है सास बहू की, परिवार की या किसी की भी, उसमें स्टेल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, लेकिन इसमें वो चांसेस बहुत कम है, इसलिए हमारा उत्साह बना हुआ है। आप कभी अपने कैरेक्टर से बोर हुए एक टाइम के बाद? हाँ हुआ हूँ, ये तो बड़ी स्वाभाविक बात है एक एक्टर के लिए। कई बार लगता है कि यार इतना बड़ा मैदान है, हर जगह अलग अलग मैचेस चल रहे हैं, को वहाँ ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, वहाँ इंग्लैंड का हो रहा है, और मैं जो हूँ इंडियन टीम में ही ना खेल कर क्यों ना ऑस्ट्रेलिया की में चला जाऊँ या वहाँ खेलूँ, ये लालच एक्टर का होता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि एक तो नंबर वन ये कॉमेडी सीरियल है और हर 5 एपिसोड के बाद कहानी बदलती है, तो इसमें जो है वो हमेशा कुछ नया करने का अवसर मिलता रहता है, इसलिए हमारा उत्साह इसमें बना हुआ है। अच्छा, साथ ही साथ बीच में अब तक सब कुछ सही था, लेकिन बीच में एक बहुत सैड न्यूज़ आई दीपेश सर को लेकर के, सो उनके जाने का कितना गम रहा और कितना असर वो चीज़ का रहा सेट पे? और बहुत खालीपन छोड़ गया वो, बहुत खाली हो गया है वो, जो मलखान का कैरेक्टर हम अभी तक ना भूल पाए हैं ना ही उसकी जगह किसी और को ला पाए हैं, क्योंकि दर्शक उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे, तो वो एक जो खालीपन छोड़ गया है वो, उसे भरना वाकई बहुत मुश्किल है, वो मोमेंट हम याद ही नहीं करना चाहते, वो इतने ट्रेजिक मोमेंट्स रहे हैं हमारे लिए। सर अभी केक कटिंग के लिए आपका इंतजार किया जा रहा है, तो हम भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे, चाहेंगे कि आप भी केक कटिंग कर लें, फिर उसके बाद बात करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आइए आप भी केक कटिंग का हिस्सा बनिए। थैंक यू।